अयोध्या विवाद को लेकर न्यायालय से फैसला आने की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन सतर्क हो गया है। फैसले के दौरान किसी तरह की अशांति और सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन ने पूरी गंभीरता बरतनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को यहां पुलिस थाने में CLG, शांति समिति, सौहार्द संकल्प समिति समेत दोनों संप्रदायों से जुड़े प्रबुद्ध जनों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों ने फैसला किसी भी पक्ष में आए लेकिन किसी तरह का जश्न का माहौल नहीं करने की अपील की। इसके लिए DJ संचालकों एवं आतिशबाजी बेचने वालों को भी पाबंद किया गया। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर न्यायालय का फैसला किसी भी क्षण आ सकता है, इसको लेकर पुलिस एवं प्रशासन ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस एवं प्रशासन की निगाहें सोशल मीडिया पर भी रहेगी। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली एवं आपत्तिजनक पोस्ट वायरल नहीं करें, ऐसे लोगों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। उन्होंने DJ संचालकों को फैसला आने के बाद किसी भी तरह के जुलूस आदि कार्यक्रमों में DJ नहीं बजाने एवं आतिशबाजी बेचने वालों को भी फैसले के दिन वो बाद में किसी भी तरह की आतिशबाजी नहीं बेचने को लेकर पाबंद किया। अधिकारियों ने सभी लोगों से आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। बैठक में पुलिस उपाध्यक्ष रामेश्वर परिहार ने कहा कि कोर्ट से फैसला कुछ भी आए, हमें नगर के सौहार्द को बनाए रखना है। साथ ही कहा कि यह हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम भाईचारे के साथ रहते हुए नगर के सौहार्द को बनाए रखें। बैठक में सांगो तहसीलदार नईमुद्दीन, पुलिस उपाधीक्षक रामेश्वर परिहार, थाना अधिकारी धनराज मीणा, नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह, पालिका अध्यक्ष देवकी नंदन राठौर व नगर के CLG व शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को देखते हुए हमारे CLG मेम्बरान प्लस शांति समिति के जो सदस्य थे और प्रत्येक समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक थे, तो शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द बना रहे समाज में, इस संबंध में हमने मीटिंग का आयोजन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला कभी जिक्र हुआ था मीटिंग में? हाँ, आपसी सौहार्द के संबंध में, इस संबंध में डिसीजन भी आने वाला है, इसी संबंध में हमने मीटिंग की। समाज में आपसी सौहार्द बना रहे, इसमें हमने DJ वालों को भी शामिल किया था, उनको भी पाबंद किया है, प्लस जो जिनके पास लाइसेंस इशू हुए थे आतिशबाजी के, जिनके पास आतिशबाजी सप्लाई थे, उन्हें हमने बुलाया था, उन्हें भी पाबंद किया गया। हाँ जी।